नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। टोल प्लाजा मैनेजर द्वारा अभद्रता पर भारतीय किसान यूनियन जन शक्ति ने टोल फ्री कराया। भारतीय किसान यूनियन जन शक्ति के प्रदेश महासचिव यतेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पिलखुआ टोल टैक्स मैनेजर द्वारा फोन पर यूनियन की महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष से अभद्र भाषा का उपयोग करने के विरोध में भड़के किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पिलखुआ टोल पर पहुंचकर टोल को पूर्ण रूप से फ्री करा दिया और धरने पर बैठे। उनकी मांग थी कि मैनेजर को तुरंत हटाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। भविष्य में किसी कर्मचारी द्वारा संगठन के किसी भी पदाधिकारी के साथ ऐसा नहीं किया जाए। इस दौरान चेतावनी दी कि किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्रता की गई तो उसके लिए किसान यूनियन जन शक्ति आर पार की लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। धरने के दौरान थाना अध्यक्ष अभिनव पुंडीर, सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह टोल पर पहुंचे और संगठन के कार्यकर्ताओं को बैठा कर वार्ता की। डॉक्टर तेजवीर सिंह ने कहा कि यह सरकारी कार्य है, इसमें कोई दखल अंदाजी करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोई भी अधिकारीगण टोल देकर अपना दायित्व समझे। कविता शर्मा ने कहा कि उनकी मांगे मान ली गई और फैसला किया गया कि भविष्य में संगठन की गाड़ियां बगैर टोल शुल्क दिए की तरह निकाली जाएगी। टोल मैनेजर नितिन और दीपक अजय ने आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई भी अभद्रता नहीं की जाएगी। इस आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इस अवसर पर महासचिव जितेंद्र शर्मा, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष कविता शर्मा, मनीष अनिल कुमार गुप्ता, जितेंद्र सिंह, यूसुफ मेहता, यूसुफ चौधरी, ललित नौशाद, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी कविता जी, टोल पे गए थे आप, क्या मामला था? टोल पे हम इसलिए गए थे, पहले हम टोल पर गए थे, हमारी बातचीत हुई थी तो हमारी मैसेज द्वारा गाड़ियाँ निकल जाती थी। कल भी हमारी एक गाड़ी गई थी, हमने मैसेज किया, वो गाड़ी नहीं निकली। हमने सुधीर सिंह से बात की तो वो अभद्रता से हमसे बात कर अभद्रता पर उतर आए। फिर हमने आज जाकर टोल फ्री कराया और वहाँ पर सीओ साहब तेजवीर सिंह पहुँचे, उन्होंने हमारी बात कराई और उस पर सुधीर सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ और हमारी सारी गाड़ियाँ फ्री निकलेंगी, ये हमें आश्वासन दिया।